हे मेगा इवोल्यूशन को सबसे कूलेस्ट फीचर पोकेमोन के एनिमे एंड गेम्स के अंदर माना जा सकता है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन फाइंड आउट करने वाले, लेकिन सिर्फ एनिमे के अकॉर्डिंग। हम लोग गेम्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो में नहीं जाने वाले, बिकॉज गेम्स के ऊपर मैंने बैक टू बैक दो तीन वीडियोस बना दी थी। तो यह एनिमे के ऊपर अब जरा बात करते हैं। तो एनिमे के अंदर कौन से 10 ऐसे मेगा इवॉल्व पोकेमोन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? एनिमे से जितने भी पोकेमोन इस लिस्ट में होंगे वो सभी किसी न किसी ट्रेनर के पोकेमोन होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा पोकेमोन होगा, मुझे कमेंट से पक्का बताना। सो यार, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पे आते हैं ब्रॉक का मेगा स्टीलिक्स। एंड इसके साथ साथ मैं मिस्टी के मेगा गैराडोस को भी यहाँ पे ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा, लेकिन मैंने ब्रॉक के मेगा स्टीलिक्स को यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज देखो, ब्रॉक के मेगा स्टीलिक्स ने परफॉर्मेंस भाई कुछ वैसी की है। और रेडन काइव के टॉर्टिनेटर के ऊपर मेगा स्टीलिक्स के भाई अटैक्स बहुत मस्त है। एंड टॉर्टिनेटर एक फायर टाइप का पोकेमोन है, मेगा स्टीलिक्स ने उसके फायर मूव्स को झेल लिया था एंड वो फेंट नहीं हुआ था। इन्फर्नो ओवरड्राइव जो टॉर्टिनेटर का वन ऑफ द बेस्ट मूव में से एक मूव है, उसको भाई वो सरवाइव कर गया था। एंड वो एक जी मूव था। जी मूव को सरवाइव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड इसने तो जी मूव को तब सरवाइव किया जबकि इसके पास टाइप वीकनेस थी, मतलब वीकनेस होने के बाद भी अगर ये सरवाइव कर सकता है इस टाइप के मूव को, तो हाँ इसको इस लिस्ट में भाई रखना ही होगा। और इसी के साथ साथ मेगा स्टीलिक्स पहला ऐसा पोकेमोन बना जो जी मूव को सरवाइव कर गया था। तब इससे पहले एनिमे के अंदर जितने जी मूव दिखाए गए थे उससे हर पोकेमोन फेंट हुआ था, लेकिन इससे ऐसा नहीं हुआ। नंबर 9 सॉवियर्स मेगा सेप्टाइल। ओके, सो सॉवियर की जो ग्रोथ थी पोकेमोन के एनिमे के अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके दिखाई गई थी। तब स्टार्टिंग में वो एक न्यू भी था एंड सीजन के एंड होते होते वो भी बहुत स्ट्रांग बन चुका था। एंड उसका जो मेन एस पोकेमोन था वो है सेप्टाइल। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रास टाइप पोकेमोन होते हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में उतने अच्छे भाई होती नहीं, मतलब थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन उसका ट्रेनर जितना अच्छा हो वो ग्रास टाइप पोकेमोन अपने अंदर उतनी कैपेबिलिटीज और बिल्ड कर पाएगा। एंड वही हुआ सेप्टाइल के साथ। सॉवियर का सेप्टाइल फिर जाके बहुत स्ट्रांग बन चुका था। इन द एंड सेमीफाइनल्स के अंदर वो एस से हार गया, लेकिन इसने भी सेमीफाइनल्स के अंदर बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। एंड इसको मैं नंबर 9 पे इसलिए रखा बिकॉज देखो, सॉवियर के साथ साथ इसका जो मेगा सेप्टाइल है उसकी भी ग्रोथ एनिमे में बहुत ही अच्छे से शो की गई थी। एंड उस ग्रोथ के कारण मैंने इसको यहाँ पे रखा है। नंबर 8 प्रोफेसर सिकामोर्स मेगा गार्चम्प। प्रोफेसर सिकामोर का जो बेस्ट पोकेमोन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो मेगा गार्चम्प को ऑब्वियसली कंसिडर करना होगा। तो सिकामोर प्रोफेसर के साथ साथ एक अच्छे ट्रेनर भी है एंड उनका गार्चम्प जो मेगा इवॉल्व भी कर सकता है, तो उसके बाद उनके पास एक बहुत ही बीस्ट पोकेमोन आता है। और जब टीम फ्लेयर की आर्क थी, मतलब जो क्लाइमेक्स चल रही थी, वहां पे जो जायंट रॉक को डैमेज करना था, वहां पे इस गार्चम्प की असली पावर हम लोग को देखने को मिली थी। वैसे तो इस मेगा गार्चम्प को ज्यादा अपीयरेंस एनिमे के अंदर हुआ ही नहीं, लेकिन जो जायंट रॉक की आर्क थी वो आर्क के कारण मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। नंबर 7 कोइनास मेगा लुकारियो। तो मेगा लुकारियो को भी हम लोगों ने बहुत बार देखा भाई। मेगा लुकारियो पोकेमोन जर्नीस के अंदर भी आया था। पोकेमोन जर्नीस के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस भाई अच्छी थी, भले वो ड्रैगनाइट से हार गया हो, लेकिन भाई अपने ड्रैगनाइट के यहाँ से पोटेंशियल शो होती है। बट एनीवेज, अगर हम लोग कोइना के मेगा लुकारियो की बात करें तो ये देखो, इसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी चली रही है। इसकी भी जो डेवलपमेंट है वो हम लोग को धीरे धीरे आगे और देखने को मिल सकती है अगर पोकेमोन कंपनी ऐसा चाहे तो। कोइना के मेगा लुकारियो को भी मैं नंबर 7 पे सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण पुट किया है। नंबर 6 मालवास मेगा हाउंडूम। ये थोड़ा सा अंडररेटेड पोकेमोन में से एक माना जा सकता है बिकॉज देखो, मालवा के मेगा हाउंडूम को ज्यादा फेम मिली नहीं एनिमे के अंदर, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग पोकेमोन था। एंड ऑब्वियसली ये मालवा का ही बेस्ट पोकेमोन है। एंड इस पोकेमोन के पास जो एबिलिटी थी उसको भी एनिमे के अंदर शो किया गया था, एंड वो एबिलिटी थी फ्लैश फायर। इस कारण से जो फायर टाइप के मूव है वो इस पे काम नहीं करेंगे, तो हाँ एक और यहाँ पे एडवांटेज थी। एंड वो इलीट 4 मेंबर है तो भाई वो स्ट्रांग होगी ना। नंबर 5 सेबोल्स मेगा ब्लास्टोइस। बट इस मेगा ब्लास्टोइस ने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को जो इससे बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल के हो, लेकिन उनको भी इसने टक्कर दिया था, जैसे कि हमने उनको एनिमे के अंदर बताया गया है। इस कारण से मैंने इसको यहाँ पर रखा है। नंबर 4 डायंथस मेगा गर्डिवियर। तो कैलोस चैंपियन डायंथस कभी ऑन स्क्रीन बैटल नहीं हुआ मेगा चार्जर्ड के साथ, अरहान के मेगा चार्जर्ड के साथ। डायंथस गर्डिवियर ने बहुत ही इमेंस पावर शो की थी एनिमे के अंदर हम लोगों को, इसी कारण से उसको एक स्पॉट मिला चैंपियन का। एंड जायंट रॉक के आर्क के दौरान ये भी एक की पोकेमोन था टीम फ्लेयर को रोकने के लिए। नंबर 3 अलायंस मेगा चार्जर्ड एक्स। तो यार देखो, इसको सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तुम्हें ट्रेनर गॉन्टलेट याद होगा जिसके अंदर 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन के अंदर बैटल हुई थी, एंड उसमें से अलायंस का मेगा चार्जर्ड एक्स ने सभी के सभी और मेगा इवॉल्व पोकेमोन को डिफीट कर दिया था बिना हील हुए। एंड उसमें मालवा का जो मेगा हाउंडूम था वो भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ से मेगा चार्जर्ड एक्स की पावर शो होती है। एंड यहाँ पे मेगा चार्जर्ड एक्स ने ग्रेंजर को भी हरा रखे जो अपने एस ग्रेंजर फॉर्म में था, भले वो बैटल बहुत ही क्लोज थी, यानी ग्रेंजर भी बहुत क्लोज था डिफीट करने के मेगा चार्जर्ड एक्स को, फिर भी चार्जर्ड ने डिफीट किया था ग्रेंजर को। नंबर 2 स्टीवन्स मेगा मेटाग्रॉस। एंड स्टीवन का जो मेगा मेटाग्रॉस है ये भी भाई बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ पे तुम्हें एक और सीन याद होगा जहाँ पे अलान के चार्जर्ड एंड स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस में फाइट हो रही थी। वहां पर चार्जर्ड का जो बेस्ट मूव होते हैं, सबसे पावरफुल मूव होते हैं ब्लास्ट बर्न, वो भी इसने सह लिया था। एंड अगर वो मैच बीच में ही नहीं रुकता तो मेटाग्रॉस चार्जर्ड
को डिफीट कर देता है। ऐसा वो सिचुएशन आ चुका था कि मैच वहाँ पे बीच में इंटरडिप्ट हो गया था। उसके बाद मेगा मेटाग्रॉस का सबसे बड़ा रोल था टीम फ्लेयर वाले पूरे आर्क में, एंड टीम फ्लेयर को डिफीट करने में मेगा मेटाग्रॉस ने अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। अब नंबर वन से पहले मैं एश केंजर को भी एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा। भले ही वो मेगा इवॉल्व पॉकीमन नहीं है, लेकिन वो भी एक मेगा इवोल्यूशन का अल्टरनेटिव पार्ट है, एंड एश के वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमन में से एक इसको माना जाता है। दैट्स व्हाई इसको भी इंक्लूड करना बिल्कुल बनता ही था, बिकॉज यार इसकी पावर्स हमने देखा है। नंबर वन पे आता है लाइसेंड्रे का मेगा गैडोस। अभी यार देखो इसकी भी कोई बात नहीं करता, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ अंडररेटेड पॉकीमन ही है लाइसेंड्रे का, जो शाइनी मेगा गैडोस था। सो तुम्हें आई गेस याद होगा कि एश के भाई 3-4 पॉकीमन को इसने अकेले हरा दिया था, एंड इवन एश के पिकाचू के साथ एंड एश ग्रेंजर के साथ इसने साथ में बैटल किया था एंड साथ में दोनों को गिरा दिया था। तो देखो इसने अकेले एश की कैलोस की टीम को वाइप आउट कर दिया था, मतलब एश की कैलोस की टीम भाई बहुत स्ट्रांग थी, फिर भी इस पॉकीमन ने उस टीम को वाइप आउट किया। दैट्स व्हाई मैं इसको नंबर वन पे पुट कर रहा हूँ। सो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट, लेकिन तुम लोगों की लिस्ट क्या हो सकती है मुझे कमेंट से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर बाकी वीडियोस तुमने नहीं देखे तुम उनको भी फिगर आउट कर सकते हो। बाय द वे, पिछले पॉकी क्विज के विनर्स तुम लोगों के सामने होंगे, एंड आज के पॉकी क्विज भी तुम लोगों के सामने है। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।